रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटैक 2004 से भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है। पीएसए कार्यालय द्वारा समर्थित रूटैक की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च स्तर के विज्ञान और तकनीकी हस्तक्षेप और समर्थन प्रदान करने के लिए एक तंत्र के रूप में की गई थी। इस पहल के तहत हस्तक्षेपों को मुख्य रूप से मान संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और नवीन परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रूटैक केंद्र की स्थापना जनवरी 2010 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में की गई थी, जिसका उद्देश्य गैर सरकारी संगठन और ग्रामीण लोगों के लिए उनकी मांग आधारित प्रौद्योगिकियों का विकास करना और सहायता प्रदान करना। रूटैक केंद्र आईआईटी रुड़की भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए कार्यालय द्वारा समर्थित है। पैर से चलने वाले पारंपरिक चरखे का उपयोग उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊन की कताई के लिए किया जाता है। पारंपरिक चरखे में धागा बोबिन पर एक समान नहीं बढ़ता, इसको बार बार बदलना पड़ता है, जिसके कारण कारीगर का काफी समय खराब होता है और धागा भी असमान मोटाई का बनता है और इस चरखे से धागा उत्पादन भी बहुत कम है। पारंपरिक चरखे को केवल पैर से ही चलाया जा सकता है, जिसके कारण धागा काटने वाले कारीगरों को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत के ऊन उत्पादक क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर आदि राज्यों में वेरिएबल स्पीड सोलर बेस्ड बागेश्वरी वूल चरखा की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी उत्पादकता परंपरागत चरखे की तुलना में बहुत अधिक है। परंपरागत बागेश्वरी चरखे में मॉडिफाइड प्लेयर लगाया गया है, जिससे बोबिन को समान रूप से भरने के लिए बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। रूटैक आईआईटी रुड़की ने इस चरखे में वेरिएबल स्पीड मोटर लगाई है, जिसके द्वारा इस चरखे से कारीगर भिन्न भिन्न मोटाई के धागे बना सकते हैं और इस चरखे में एक बैटरी भी लग गई है जो सोलर पैनल के द्वारा चार्ज होती है। इस चरखे को कारीगर पैरों से, बिजली से और बैटरी द्वारा चला सकते हैं और इस चरखे को प्रयोग करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता। चरखे को गति नियंत्रक लगा है, जबकि इसके फुट पैडल तंत्र को बरकरार रखा गया है। बोबिन को समान रूप से भरने के लिए वार्म गियर लगाया गया है। बैटरी बैकअप, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और इमरजेंसी पैडल लाइट लगाई गई है। इस इकाई का कार्य पूर्ण हो गया है और इस टेक्नोलॉजी का वितरण भी कई संस्थानों को कर दिया गया है, जैसे जयपुर, रक्स राजस्थान, हिमालयन ट्रस्ट बागेश्वर, जौहर महिला जनजाति सेवा समिति देहरादून, आगाश फेडरेशन पीपलकोटी चमोली आदि इस इकाई का लाभ उठा रहे हैं। उन बुनकरों की आय में काफी वृद्धि हुई है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों जैसे मुंसियारी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, पीपलकोटी और राजस्थान आदि, इस परियोजना को विभिन्न आयोजनों में डिजिटल मोड में प्रदर्शित किया गया है एवं वीडियो को यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है।